नमस्कार दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, जानकारी चैनल में हम आपके लिए अलग अलग तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संत कबीर दास जी के कुछ सुप्रसिद्ध दोहे। संत कवियों में कबीर दास जी का स्थान सर्वोच्च है। कबीर दास जी द्वारा लिखे गए दोहे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं और समय समय पर हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी कहते हैं, मेरे समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। मेरे सामने उलझन यह है कि दोनों में से किनके चरणों में मैं सबसे पहले वंदना करूं, किनके चरण को स्पर्श पहले करूं। और इसके बाद कबीरदास जी ने कहा है कि मुझे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीर्ष झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, बिना गुरु के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर दास जी का भावार्थ है कि दुख में तो इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाता है। यानी जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम भगवान को याद करने लगते हैं, और जैसे ही दुख चले जाते हैं हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि अगर हम सुख में भी भगवान को याद करते रहेंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। तो जीवन में हमें जो भी अच्छा मिला है, हमें उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें सुबह और शाम को भगवान को याद करना चाहिए, खाने से पहले भी भगवान को याद करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी का अर्थ है कि हमें निंदक यानी जो हमेशा बुराइयां करते हैं या जो आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उन्हें हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास ही रहेंगे तो वो आपकी बुराइयां आपको बताएंगे। मान लीजिए आपके अंदर 90% अच्छाई है और 10% बुराइयां हैं, तो अगर आपको वो 10% बुराइयां बता देंगे तो आप उन्हें सुधार सकते हैं, और जब वो आप उन्हें सुधारेंगे तो आपकी 10% बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाएंगी और आप 100% अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो इसलिए निंदक हमारे स्वभाव को और भी शीतल बना देते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी का कहना है कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, काफ़ी ऊंचाई होती है पेड़ की, लेकिन ना तो वह किसी को छाया देता है और साथ ही साथ खजूर भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो इसी तरह अगर हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, काफ़ी सक्षम बन जाते हैं और काफ़ी धन हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम किसी का भला नहीं करते हैं, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो इतना बड़ा और धनवान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी का कहना है कि हमारे पास समय बहुत ही कम है। अगर आज हमारे पास सभी संसाधन हैं, धन है, सभी तरह की सुविधाएं हैं, और अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हमने सोचा है कि हमें ये करना है, तो हमें उस काम को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। यानी कि जो काम आपको कल करना है वो आपको आज ही कर लेना चाहिए, और जो आपको आज करना है वो आपको अभी समाप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि पता नहीं हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कब बदल जाएं और हम उस काम को कर ही ना पाएं। साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी का कहना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मुझे बस इतना दे दीजिए कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए और मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का गुजारा चल जाए, और अगर कोई साधु भी मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसे भी भोजन करवा सकूं, ताकि वह भी मेरे द्वार से भूखा न जाए। हमें आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जानकारी चैनल पर अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।